बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फीस कार्ड डिज़ाइन किस तरह से होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में, तरीका मैं बताऊंगा इसकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग वगैरह और लैंडस्केप सेटिंग के साथ उसमें पूरी डिज़ाइनिंग कंप्लीट एंड ऑफ प्रिंट तक ऑप्शन जो यूज़ होंगे वो आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो एडवांस में लाइक कर दो, जो फर्स्ट देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हमें ये पेज लैंडस्केप पोजीशन में कहाँ तक कॉलम मैक्सिमम आ रहे हैं हमारे, ये देखना है हमें। तो इसके लिए कंटिन्यू कॉलम आ रहे होते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि एक पेज में हमारे लैंडस्केप पोजीशन में कॉलम कहाँ तक ऐड होंगे, जिसको देखते हुए हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए पेज लेआउट मेन्यू में जाए, ओरिएंटेशन में जाकर लैंडस्केप क्लिक करेंगे ऑप्शन। जैसे ही लैंडस्केप क्लिक करेंगे तो यहाँ तक हमारे पास ये पेज पोजिशन आपको दिखा रहा है, ठीक है जी। और इस तरह एम कॉलम तक यानी पेज में हमारे काम एडजस्ट होगा, जो भी हम काम कर रहे हैं यहाँ से एम कॉलम लास्ट होगा। और इसके साथ ही अगर हम डाउन साइड पे शिफ्ट करते हैं इसको, तो लास्ट रॉ भी हमारी इसी तरह से डिफाइन कर रहा होगा पेज पे। 34 तक जो है ये लास्ट रॉ आ रही है हमारी। और अगर आप चाह रहे हैं कि काम करते वक्त अगर रॉ से या कॉलम से आउट हो रहा है काम, तो हमें अंदाजा हो कितना काम हमारा पेज पर आ रहा है, तो इसके लिए व्यू में जाकर आप यहाँ पेज लेआउट क्लिक कर लें। तो इस तरह लैंडस्केप पोजीशन से पेज लेआउट जब क्लिक करेंगे आप, तो हर पेज अलग अलग सेपरेट होकर आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी इस तरह से। फर्स्ट कॉलम की जो विड्थ आ रही है इसको मैं बिल्कुल थोड़ी कर रहा हूँ कम, और यहाँ से उसके बाद 6 कॉलम तक हम जो है वो काम करेंगे। उसके बाद ये वाला कॉलम जो आ रहा है इसकी विड्थ को मैं कम कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है जी। ये हो गया, और यहाँ से जो होगी वो वर्किंग स्टार्ट होगी हमारी। ये एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से होम में जाएंगे, मार्जिन सेंटर, अब स्कूल कोचिंग है जो भी, द रीडर स्कूल सिस्टम, ठीक है जी। यहाँ से मैंने इसको टाइप कर लिया और यहाँ से मैं अलाइन कर रहा हूँ टॉप, और टॉप में जाकर इसको बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से फॉन्ट फोल्ड कर दिया। अभी एक तरह का एक सेक्शन हमने बना लिया है और इसके अंदर अभी काम कर रहा है। तो यहाँ आउटसाइड वाली जो साइड है इसको मैं यहाँ से कवर करने के लिए यहाँ तक थिक बॉर्डर कर लेता हूँ, और थिक बॉर्डर के बाद जो भी बॉर्डर वगैरह है फॉर्मेट है उसके अंदर हम सारा काम करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कर्सर की अल्टर इंटर करेंगे, रैप टेक्स कर्सर हमारा सेकंड लैंग्वेज शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ हम कर देंगे टुडे, टुडेज रीडर, टुमारो टुडे रीडर, एक स्लोगन होता है जो स्लोगन दे रहा होता है टुमारो रीडर, और इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसका होम में जाके फॉन्ट कम कर देते हैं, ठीक है जी। हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है जी। और यहाँ से मर्ज करेंगे इधर हेड जो है पीस कार्ड, बॉटम बॉर्डर दे, ठीक है जी। सेशन के लिए बॉटम
बॉर्डर आ गया, उसको भी अगर टॉप करना है टेक्स्ट टॉप कर लेना कि सेशन के लिए यहाँ लिखा हुआ आ जाए आपके पास। ठीक है जी, अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट में शिखर का इसको माइनस का साइन दिया गया, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा फादर नेम टू शिफ्ट अंडरस्कोर प्रिंट आउट करने के बाद टाइपिंग करेंगे इसके अंदर कि यहाँ से स्टूडेंट ने लास्ट एडमिशन को जो यहाँ से टाइप थोड़ी बढ़ानी है अगर टाइप लिखने का काम तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर किसी भी एक रॉ को हाइट को हम बढ़ाएंगे तो जितनी सिलेक्ट है सबकी हाइट बढ़ जाएगी इस तरह से। ठीक है जी, तो इतना गैप रखना है कि यहाँ पर इजिली टाइपिंग वगैरह का काम हो जाए। नेक्स्ट अप में हेडिंग बनानी है, यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल की जो हेडिंग्स होंगी उसकी हाइट बढ़ानी है, तो इस रॉ में एंट्री हेडर्स की वजह से यहाँ से मैं रॉ की हाइट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। मंथ डे पीस टैलेंट दिस साइन प्रिंसिपल। ठीक है जी, ये हमारी हेडिंग कर रही है टेबल नंबर नाइन और जैक के नीचे यहाँ पर एजुकेशन नंबर की टू और मार्क्स टू और मार्क्स के अंदर के जैक के अब पेज के हिसाब से जो है स्पेस आ रही है हमारे पास उसके हिसाब से आप हाइट वगैरह एक बॉर्डर कर लेता हूँ और यहाँ से अब जो स्पेस आपको थोड़ी बढ़ानी है आपको कम लग रही है उस हिसाब से ये बॉटम साइड पर हमारे पास काफी स्पेस बन सकती है। यहाँ से अगर चेक करें 3 से 4 रो की स्पेस है हमारी तो हम कोई भी हाइट को या कुछ कम लग रही है हिसाब से बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉन्ट्स
टाइम्स रोमन, ठीक है जी, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप फॉन्ट अपना रख सकते हैं, ये एरियल रख लेते हैं। इस तरह से आपकी फ्रेंड में एडजस्ट हो जाए, तो कैलिबर ही रखते हैं, कैलिबर भी रख सकते हैं यहाँ पे, बाकी जो फॉन्ट अच्छी लग रहे हैं उस हिसाब से आप फाइनल कर सकते हैं। यहाँ पर आइडियस वगैरह का फॉन्ट जो होगा वो मैं, ठीक है ये रख लिया हमने, और इसका जो फॉन्ट है वो टाइम्स रोमन रखना है तो टाइम्स रोमन रख सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से बिटवीन, ठीक है दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा, तो मैं यहाँ से कॉलम को कम कर रहा हूँ और इधर अब मैं आउटसाइड बॉर्डर कर रहा हूँ, उधर वो सेक्शन बनेगा जो बैक के ऊपर अक्सर स्कूल में लिख कर देते हैं कि आपको फोर टैक्स पे करनी है या कोई लेट फीस की, उसमें इतना चार्जेस आपको पे करने होंगे, यानी जो जो नोट्स वगैरह होता है वो पॉइंट्स आप इधर ऐड करेंगे, तो उसके लिए ये सेक्शन मैं बना रहा हूँ। और यहाँ से मैंने इसको बॉर्डर दिए, ठीक है जी, सिलेक्ट करेंगे पहले और यहाँ से थिक्स बॉर्डर, व्यू में जाएंगे, ये लाइंस हमने इंटर करी हुई है तो व्यू में ग्रिड लाइन का चेक हटा देते हैं, इस तरह से आ जाएगा ये आपका। और ठीक है जी इधर, ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रिपोर्ट कार्ड की बैक साइड पे या साइड पे लिखे होते हैं कुछ नोट्स वगैरह, तो ये मैंने उर्दू टाइपिंग से टाइप किए हुए, अगर आपका कीबोर्ड इंस्टॉल है पाक उर्दू इंस्टॉलर से आप ये लिख सकते हैं उर्दू, या इन पेज सॉफ्टवेयर से लिख कर आप इसमें पिक्चर फॉर्मेट में सेव करके ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऑप्शन से जाके, ठीक है जी, यहाँ से फिर आप पिक्चर से जाके ऐड करेंगे, क्रॉप से आप फिर माइनस कर सकते हो जो एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह इसमें आ रहा हूँ, तो इसमें हमने हर फीस की माह 8 तारीख तक जमा करवाया, हर माह की 8 तारीख तक फीस लिए जमा करवाने की सूरत में रोजाना के बजाय फिर 10 रुपये जुर्माना लगना हुआ, फीस कार्ड संभाल करके फिर कार्ड गुम होने की सूरत में स्कूल चलाने से कार्ड बनवा ले, फीस जमा करते हो फीस कार्ड अपने अपने लगती, इंग्लिश भी हो सकता है उर्दू भी हो सकता है, मर्जी है आपकी, मैंने उर्दू में लिखा हुआ है। यहाँ पर कंट्रोल F2 करेंगे प्रीव्यू के लिए आ जाएंगे, तो यहाँ पर फाइल हमारी पूरी एग्जैक्ट जिस तरह से अराउंड बॉर्डर वगैरह हमने किए थे, अगर कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा हो तो आप विथ वगैरह की हाइट को कम ज़्यादा करके इस तरह से आउटसाइड बॉर्डर और फिर उसके अंदर जो वर्किंग होगी ये सारी चीज़ें आप फाइनली प्रिंट में ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट हमारा फॉर्मेट हो गया, जब ये ओके हो जाएगा तो यहाँ पर हम देख लेंगे एक्स्ट्रा कोई पेज हमारे पास है लेकिन वर्किंग इसके अंदर ऐड नहीं है हमारी, तो हम यहाँ पर फिर पेज नंबर बता देंगे 1 of 1, प्रिंटर का नाम जिससे हमें प्रिंट करना है और फिर कितनी फाइल प्रिंट करनी है, 1 पेज हमारा ये वाला हो जाएगा जिस पर ये सारा काम किया हुआ हमने। तो एक ही A4 पेपर पे हमने लैंडस्केप पोजीशन करके उसमें ये सारा काम किया हुआ है, तो अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, लोगो वगैरह भी ऐड होगा, यहाँ पे छोटा सा लोगो ऐड कर लें अपना स्कूल का और फिर फाइनली यहाँ पर आपका प्रिंट ऑप्शन यूज करेंगे। नॉर्मल करना है, जब ये बन जाएगा तो आपको फिर 1 पेज के लिए पता है, अब क्योंकि हमारे पूरा 1 पेज पे कम्प्लीट डिजाइन हुआ है, तो यहाँ से पेज लेआउट से आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और फाइल में अपनी नॉर्मल एक्सेल में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब इसी तरह आपको एक इसको प्रिंट करना है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी, फिर जितनी प्रिंट करनी होगी उस हिसाब से आप फाइनल कर सकते हैं ये चीजें। तो इस वीडियो में इतना ही, देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं वीडियो देखिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लाजमी बताएं अपना ख्याल, लिखते उससे तो फिर रिलेटेड टॉपिक फिर अपलोड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।